बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर टुडेज़ ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 5, द एम्बेसडर्स डिसगॉइस। वी ऑलरेडी रेड अबाउट वर्ड्स टू नो ऑफ दिस यूनिट एंड आल्सो रीडिंग विद ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट पेज नंबर 52 एंड 53। Today we are going to read and translate page number 54. I am the ambassador of the king of Greek. मैं यूनान के बादशाह के सफ़ीर हूँ। He announced, उसने अनाउंस किया या बताया। I have come to collect tribute from you. मैं यहाँ आई हूँ ट्रिब्यूट जो है वो लेने के लिए आपसे। और ट्रिब्यूट के मीनिंग हमने पढ़े थे। ट्रिब्यूट मीन अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर, के पेमेंट होती है जो कि एक हुक्मरान दूसरे को देता है। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर तुम इनकार करोगे देने से, पे करने से, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक यूर सिटी, तो मेरी जो आर्मी है या फौज है जो कि मुश्तमिल है 40,000 मैन पर, मतलब 40,000 लोगों पर, वो तुम्हारे शहर पर अटैक या हमला कर देगी। प्रिंस वलीडमीर ट्रेम्बल्ड विद फियर, के जो शहज़ादा था वलीडमीर वो खौफ से कपकपाने लगा या उसको कपकपी उस पे तारी हो गई। गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का टाइम दो, वक्त दो। एम्बेसडर सफ़ीर ही बैक्ड, उसने जैसे रिक्वेस्ट करते हैं ना उससे रिक्वेस्ट की। टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती है। रोड द एम्बेसडर, एम्बेसडर जो है वो धाड़ा। आई वांट योर आंसर नाउ, मैं तुम्हारा जवाब अभी चाहती हूँ। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, या तो ट्रिब्यूट दो, पेमेंट दो, या फिर हम हमला करेंगे। इफ़ यू कांट पे, कैन नॉट पे, अगर तुम पे नहीं कर सकते, देन गिव मी योर नीस ज़बावा, तो फिर मुझे अपनी भांजी ज़बावा जिसका नाम था वो दे दो। टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी के तौर पर, मतलब ये कि उसका उसकी शादी मेरे से कर दो। द प्रिंस नीस ज़िबावा वाज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, कि जो शहज़ादे की भांजी थी ज़िबावा जिसका नाम था वो बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत होशियार लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, जो शहज़ादा था वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर, के कोई भी चीज़ दुनिया में उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी या किसी को वो ऐसा नहीं करने देता था। एट दिस टाइम, इस वक्त ज़िबावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, ज़िबावा जो थी वो भी वहाँ पे ग्रेट हॉल में, उसी हॉल में बैठी हुई थी, वॉचिंग देख रही थी, लिसनिंग और सुन रही थी। टू ऑल डेट वॉज सैड, वो सब जो कि कहा जा रहा था। द प्रिंस आस्ट हर बिलवड नीस, जो शहज़ादा था उसने कहा अपनी प्यारी भांजी से, ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ और सिर्फ तुम हमें बचा सकती हो या हमें हिफाजत से रख सकती हो। वट आर वी टू डू, कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। डियर अंकल, प्यारे अंकल, रिप्लाइड ज़िबावा, ज़िबावा ने जवाब दिया। आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स, ओबे मतलब हुक्म मानना, कि मैं आपका तमाम मामले में, तमाम मामलात में हुक्म मानती हूँ। बट लेकिन, आई कैन नॉट मैरी अ वोमैन, लेकिन मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वोमैन, ये सफ़ीर एक आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, देखें कैसे सफ़ीर टॉक्स बोलता है, वॉक्स चलता है। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, और उस रिंग को या अंगूठी को देखें जो कि उसके नाजुक उंगलियों में है।
यू मे बी राइट, तुम ठीक हो सकती हो या हो सकता है तुम ठीक हो, एग्रीड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, बट लेकिन, वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ अ मैन आर अ वोमैन, तो हम क्या, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि जो सफ़ीर है वो मेल है या फिर फीमेल, मर्द है या औरत है। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, जो शहजादा था व्लादिमीर, उसने जो एम्बेसडर था उसे कहा, डियर एम्बेसडर, प्यारे सफ़ीर, सैड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, माई नीस इज़ यूज टू पीपल विद ग्रेट स्किल्स, मतलब ये कि मेरी जो भांजी है उसको बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं या वो पसंद करती है। आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी यू, मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने के लिए अलाउ करूँगा या इजाज़त दूँगा, इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल, अगर तुम हमें ये दिखाओगे कि तुम भी स्किलफुल हो या तुम भी जो है वो माहिर हो या तुम में बहुत ज़्यादा सलाहते हैं, कम आओ, शो अस इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, हमें दिखाओ कि अगर तुम हार्प, जैसे मैंने आपको बताया कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो तुम प्ले कर सकते हो या बजा सकते हो। और हार्प वाज ब्रॉट, एक हार्प जो है वो लाया गया, एंड कैटरीना बिगेन टू प्ले इट एंड सिंग, कैटरीना ने उसे बजाना शुरू किया और साथ में उसने उस गाना गाना शुरू किया। द नोबल्स वर इंचेंटेड विद द म्यूज़िक, जो तमाम उमरा थे या वहाँ पे मौजूद लोग थे वो बहुत ज़्यादा माइल हुए जो मौसीकी थी उससे। बट नो वन कुड टेल वेदर द एम्बेसडर वाज अ मैन आर अ वोमैन, लेकिन कोई भी ये ना बता सका कि सफ़ीर मर्द है या फिर एक औरत। Then the prince asked the ambassador to play a game of chess. Chess, जैसे मैंने आपको बताया शतरंज, के प्रिंस जो है उसने सफ़ीर को कहा कि ठीक है हम क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। The prince was the best player in the land, जो शहज़ादा था वो एक जाना पहचाना जो है वो प्लेयर था, खिलाड़ी था, किसका, चेस का या शतरंज का। He believed if the ambassador was a woman, she would lose. उसे ये यकीन था कि अगर तो सफ़ीर औरत हुई तो वो ज़रूर हार जाएगी। Much to the prince astonishment, the ambassador won the game. ठीक है, बहुत ज़्यादा हैरत उसको हुई, प्रिंस को, शहज़ादे को, कि जो सफ़ीर थी औरत वो गेम जीत गई। द प्रिंस टर्न टू जबावा, प्रिंस अब दोबारा से मुड़ा जबावा की तरफ। दिस इज़ नो वोमैन, ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब कानों में आहिस्ता से कहना, कि उसने उसे कहा कि ये औरत नहीं है। आई एम श्योर शी इज़, रिप्लाइड जबावा, मुझे यकीन है ये है, जबावा ने जवाब दिया। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, जो शहज़ादा था उसने कुछ लम्हे के लिए सोचा। देन सेड टू द एम्बेसडर, तब वो सफ़ीर से बोला, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे मुराद तीर अंदाजी है। उसने कहा कि आओ अब हम क्या करते हैं, तीर अंदाजी का मुकाबला करते हैं या फिर उसको हम ट्राई करते हैं। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स ऑल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, मतलब बड़े सेन में या खुली जगह पर, जो शहज़ादा था, जो सफ़ीर थी और जो तमाम उमरा थे वो सारे चले गए एक खुली जगह पर या फिर सेहन में। अ गोल्डन रिंग वाज सेट अप एट वन एंड, एक जो सोने की चेन थी या जंजीर थी, रिंग थी, वो जो है वो सेटअप की गई एट वन एंड, एक जो है वो एंड पर। एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और जो शहज़ादा था उसने वहाँ पे रखा स्टील का एक नाइफ या फिर चाकू, बिहाइंड इट, इसके पीछे। फर्स्ट द प्रिंस शूट थ्री एरोज एट द टारगेट, सबसे पहले जो शहज़ादा था उसने तीन तीर चलाए टारगेट जो कि निशाना था उस पर। द एरोज पास थ्रू द
रिंग बट डिड नॉट हिट द नाइफ। जो एरोस थे, जो तीर थे, वो उससे पास तो हो गए, गुजर तो गए रिंग से, लेकिन क्या हुआ कि जो नाइफ था उसको वो हिट ना कर सके।